नमस्कार। राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो पे बात करेंगे, श्राद्ध पक्ष आरंभ होने वाला है। जो श्रद्धा के साथ किया जाए वो श्राद्ध होता है। तो श्राद्ध पक्ष में आपके पितर आपके ऊपर श्रद्धा रखें, आपके ऊपर कृपा रखें। आपके बर्थ चार्ट में पितृ ऋण अगर है तो आपको श्राद्ध पक्ष में बिल्कुल पितरों के निमित्त यज्ञ करना चाहिए, पितरों के निमित्त हवन करना चाहिए, पितरों के निमित्त सेवा करनी चाहिए, पितरों के निमित्त दान देना चाहिए। तब आप पितृ ऋण से उऋण होंगे। पितृ ऋण आपके पितृ दोष नहीं भी बना है तब भी आपको इस 15 दिन में पितरों के प्रति श्रद्धावान रहना चाहिए। और यदि आप यह श्रद्धा रखते हैं तो आपके जीवन की बहुत सी कठिनाइयां कम होना शुरू हो जाएंगी। आप इसको लिख के रख लीजिए, अगले वर्ष तक आप अगर इसको करते हैं तो उसका फलादेश हमें जरूर बताइएगा। चलिए, हम बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए श्राद्ध पक्ष का उपयोग किस दिन करें, कब करें, कौन सी वो दो तिथियां हैं जो आपके जीवन में परिवर्तन ला सकती हैं। वो तिथियां जिस दिन आपके द्वारा किया हुआ श्राद्ध कर्म पितरों के आशीर्वाद को प्रदान कराएगा, श्राद्ध आपके लिए वरदान साबित होगा। पहले चैनल को सब्सक्राइब भी करते चलो, ये भी तो है। तो दो पॉइंट है मित्र, श्राद्ध श्रद्धा का विषय है। मैं जरूर आपसे ये कहना चाहूंगा कि आप बिल्कुल ये इंतजार ना करें कि आपके माता पिता ना हो तब आप श्राद्ध करें। आप अपने जीवित व्यक्तियों का भी श्राद्ध करें या ना करें उनके प्रति श्रद्धा करें, श्राद्ध करना जरूरी नहीं है, ठीक है। हालांकि आजकल एक चीज ध्यान रखिएगा कि बिना रिश्तों के भी बहुत लोग रिश्ता निभाते हैं। जैसे जो लोग आपके लिए करवा बिना ब्याहे करवा चौथ का व्रत रहते हैं वो आपके लिए बिना मरे श्राद्ध भी करवा देते हैं। तो बहुत से ऐसे रिश्ते चल रहे हैं। आपको माता पिता के प्रति श्रद्धावान रहना चाहिए। आपके पिता ना रहे उसके बाद आप एक फोटो लगाओ, आप माला चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ, बाद में दुखित हो, उससे अच्छा ये है कि आप जीवित पिता को गले लगाओ। इस बार आप श्राद्ध पक्ष में अपने पिता को एक बढ़िया सी सुंदर सी माला ले जाके पहनाइएगा, उनके चरणों में 4 पुष्प अर्पित करिएगा, उनको गले लगाइएगा, उनके लिए एक अच्छा नूतन वस्त्र उनके लिए लेके आइएगा और गले लगाइए, चरणों में बैठ के आशीर्वाद लीजिएगा। आपकी बहुत सी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। वही हाल माता के साथ करिएगा। एक पिंडदान या एक पुष्प आपको सीमा पे जो लोग शहीद हुए हैं उनके लिए भी अर्पित करना चाहिए। वो भी आपके अपने लोग हैं, आपके राष्ट्र के, आपके परिवार के लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी है, इसलिए अगर उनका परिवार आपके बीच में कहीं मिल जाए तो उसके प्रति भी श्रद्धावान रहिएगा। उनसे पूछ लीजिएगा, दोस्त कोई आवश्यकता है तो बताना। जरूरी नहीं है कि आप उनकी सेवा करने जाओ, उनसे बस इतना पूछ लेना कि आपको कभी मेरी जरूरत पड़े तो प्लीज बताइएगा। बस इतना ही प्रेम स्नेह उनके जीवन में संचार, नए जीवन का संचार कर देगा। तो श्राद्ध पक्ष श्रद्धा के साथ मनाया जाने वाला पर्व है, पहला पॉइंट। इसमें मैं ये नहीं कहूंगा कि आप ये ना खाओ, वो ना खाओ, ये ना करो। जैसे शास्त्रीय विधान है कि प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए। अच्छा, प्याज लहसुन पे एक बड़ा तर्क वितर्क चल रहा है। जो हमारे शास्त्र आजकल प्रवचन करता है, जैसे बागेश्वर धाम हो गए, उनके भी एक बयान ऊट पटांग चल रहे थे। एक और महाराज जी हैं, बड़ा अच्छा सा नाम है, अच्छा प्रवचन करते हैं वो, उनके भी ऊट पटांग बयान आए। एक अच्छे कौन मैंने अच्छे अच्छे व्याख्याकार भ्रमित कर देते हैं, उठपटांग बयानबाजी। तो ज्योतिष शास्त्र नहीं, धर्म शास्त्र के अनुसार चूंकि लहसुन प्याज तामसिक वृत्तियों को जन्म देता है, इसलिए लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए। इसकी उत्पत्ति तमस से हुई है, तमस से, और तम जो है अंधकार का प्रतीक है, इसलिए नहीं खाना चाहिए। बस, और ज़्यादा डिटेल मत जाइए। लेकिन आपके पितरों को अगर बहुत पसंद था लहसुन प्याज तो आप खा सकते हैं। या दरअसल जो राशियां जल तत्वी राशि हैं, ब्राह्मण राशि हैं, उनके लिए मना किया है। जैसे कर्क, मीन, वृश्चिक में आप पैदा हुए हैं तो आपके लिए ये सारी चीजें मना की गई हैं।
जो लोग मोक्ष के प्रति बिल्कुल कृत संकल्प हैं, बढ़ गए हैं, एक कदम भी पीछे नहीं हटना चाहते, उनके लिए विधान किया गया है। बकाया आप अपने जीवन साथी के साथ रोज रहते हो, रोज एक साथ सोते हो और बोलो हम प्याज लहसुन नहीं खाएंगे। हम काफी लोगों से मैं मिलता हूँ, बोलते हैं गुरु जी हम प्याज लहसुन तो नहीं खाते। तो प्याज लहसुन करता क्या है? आपके तमस को बढ़ाता है, काम को बढ़ाता है। आप जीवन में काम में जाते हो और बोलते हो लहसुन प्याज नहीं खाते, गुड़ नहीं खाएंगे, गुड़ खाएंगे और गुलगुला से भेद करेंगे, बस बातें ऐसी ही हैं। तो यहाँ पे तीन डेट ऐसी आ रही हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए। क्या फायदा होगा? क्योंकि मानव जीवन फायदे के पीछे भागता है भाई। आपके जो पितर हैं आपके सेकंड हाउस में हैं, अगर आपके पितर खराब हुए तो परिवार में ग्रोथ में परेशानी होगी, धन इकट्ठा करने में परेशानी होगी, परिवार को इकट्ठा रखने में परेशानी होगी। आपके पितर कमजोर हुए तो शत्रु आप पे कंटिन्यू आक्रमण करेंगे, कोर्ट कचेरी होगा, ऋण है कि जाएगा नहीं। और यदि आपके पितर प्रसन्न नहीं है तो नौकरी बार बार स्थानांतरण का योग होगा या नौकरी बार बार छूटेगी। तो यदि आप चाहते हैं कि नौकरी में परेशानी ना आए, आपका सीनियर आपको बार बार परेशान ना करे और आपके परिवार में विघटन ना हो, परिवार में ग्रोथ हो, परिवार इकट्ठा रहे और शत्रु ऋण रोग से मुक्ति मिले, तो इन चीजों का आपको उपयोग करना चाहिए। शेष आपके ऊपर। तीन डेट्स महत्वपूर्ण। एक तो अश्विनी, आप देखेंगे 20 तारीख को 9:26 से लेके 21 तारीख को 7:50 तक अश्विनी नक्षत्र चलेगा। अतः इस दिन आप पितरों के निमित्त श्रद्धावान रहिए, पितरों के निमित्त तर्पण पिंडदान जो कुछ करना है वो करिए। दूसरी एक डेट आपके लिए आएगी, ट्वेंटी नाइन को 6:11 तक अश्लेषा है और 29 को फिर उसके वहां से लेके 30 तारीख को 8 तक मघा नक्षत्र है। कौन सा नक्षत्र? मघा नक्षत्र। तो अश्विनी नक्षत्र और मघा नक्षत्र दोनों में तर्पण करना, पिंडदान करना, श्राद्ध करना, पितरों के निमित्त सेवा करना, पितरों के निमित्त लोगों को या गाय को, कौवे को, असहाय जीवों को इनको खिलाना पिलाना, अतिथि को खाना खिलाना, लोगों की सहायता करना और उनके प्रति श्रद्धावान रहना, यह आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। दो डेट को ध्यान रखना। आपके माता पिता किसी भी डेट को गए हैं या आप पितर किसी भी डेट को गए हैं, आप करिए, लेकिन इन दो जो तिथियां हैं, इन दो तिथियों पे, इन दो नक्षत्रों पे यदि आप पितरों का श्राद्ध करते हैं या उनके प्रति श्रद्धावान रहते हैं, उनके निमित्त यज्ञ करते हैं, उनके निमित्त दान करते हैं, तो आप मान के चलिए कि आपके बर्थ चार्ट में यदि पितृ दोष बना है, यदि आपके बर्थ चार्ट में नौकरी से संबंधित परेशानी है, आपका परिवार इकट्ठा नहीं हो पा रहा है, धन संबंधी कुटुंब में विकास नहीं हो रहा है, ऋण रोग परेशानी या शत्रु परेशान कर रहे हैं, तो उसका शमन करने के लिए श्रेष्ठ उपाय होगा क्या? दान करें, ये भी बताएं क्या? जाने दीजिए, आजकल मायके बहुत ज़्यादा है, वीडियो लंबा होने से लोग दुखी हो जाते हैं। तो श्रद्धा के साथ श्राद्ध करना। मित्र सूर्य नारायण कन्या राशि में है, सूर्य नारायण उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में ही चल रहे हैं, श्रेष्ठ फल आपको देने के लिए सूर्य नारायण कृत संकल्प है। बस थोड़ी सी जो एनर्जी कनेक्ट नहीं हो रही उस एनर्जी को कनेक्ट करिए। और फिर एक बार मैं कहता हूँ, जो हमारे परिवार से चले गए, अच्छा ये होता क्या है? एक पॉइंट तो ये भी आएगा ना, ये होता क्या है, कैसे होता है? देखो हमारा ब्रह्मांड है ना, और मजे की बात है कि लोग बोलते हैं चमत्कार नहीं होता, इससे बड़ा चमत्कार क्या होगा? एक बहुत बड़ी चट्टान में आप रह रहे हैं, हाँ, जो लाखों करोड़ लाखों किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसको हम पृथ्वी बोलते हैं, लेकिन जिसका इस ब्रह्मांड में अस्तित्व तो राय मात्र है और वो हवा में घूम रही है, हवा में, और थोड़ा स्पीड से नहीं घूम रही है, 1600-1700 किलोमीटर प्रति आवर्स की स्पीड से घूम रही है। उसमें परमात्मा ने आपको सब कुछ दिया है, खुश हो सकते हैं आप उसमें, आप प्लाट खरीद सकते हैं और बिल्डिंग बना सकते हैं, खुश रह सकते हैं, मेरा साम्राज्य, ठीक है, इसके ऊपर अंतरिक्ष है।
ठीक है, अंतरिक्ष के ऊपर जब आप आगे बढ़ेंगे ना, तो तीसरे चरण पे एक लोक आता है जिसको बोलते हैं पितृलोक। कौन सा लोक? पितृलोक। जो हमारे ब्रह्मांड से एनर्जी, ग्रहों से एनर्जी आती है वो पितृलोक से होके आती है। जैसे सिंपल से एग्जाम्पल देता हूं, मैं बहुत सिंपल आदमी हूं इसलिए एग्जाम्पल भी बड़े सिंपल सिंपल। आपके घर में लाइट है, लाइट कहां से आती है? पावर हाउस से। पावर हाउस को लाइट कौन देता है? सरकार का एक व्यवस्था बनी है, जो बड़े पावर हाउस है जहां सरकार बिजली उत्पन्न करती है वहां से डिवाइड करती है। लेकिन आपके घर के बगल में छोटा पावर हाउस है, उस पावर हाउस से लाइट आती है आपके खंभे तक, और खंभे से फिर आपके घर में आता है कनेक्शन। ये सिंपल सा सिस्टम है। तो आपका जो पावर हाउस है ना, मतलब सरकार उस बड़े पावर हाउस से छोटे पावर हाउस को दे रही है, तो अंतरिक्ष से देवता जो वहां से एनर्जी भेजते हैं वो पितृलोक में आता है, पितृलोक से एनर्जी आपके पास आती है। तो बड़े पावर हाउस ने छोटे पावर हाउस को कनेक्शन दिया, एनर्जी दिया, करंट दिया, वो करंट आप तक आना है। तो आपके जो पितृ अच्छे रहेंगे तो तुरंत, और जगह की अगर बूंदाबांदी हुई ना तो तुरंत लाइट ऑफ, लेकिन अगर आपकी तरफ वाला लाइनमैन बैठा है ना पावर हाउस में, तो आपकी तरफ लाइट ऑफ नहीं होगी, एनर्जी कंटिन्यू मिलती रहेगी। इसलिए पितरों को प्रसन्न रखना। समझ में आया? ज्योतिष बहुत सिंपल है भाई, बस उसको समझने की आवश्यकता है। तो श्रद्धा के साथ श्राद्ध करना मित्र, खुश रहना, स्वस्थ रहना, मुस्कुराते रहना। अगर वीडियो आपको पसंद आती है, जानकारी अच्छी लगती है, तो मित्रों के जानकारी के लिए शेयर करिएगा। एक और खास बात यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, मजे की बात नहीं, मजे की नहीं, जानकारी के लिए। इसी में एक पर्व आता है जिसको बोलते हैं पर्व ही कहिए, महाभरणी पर्व। ये भरणी नक्षत्र 21 तारीख को 7:50 से लेके 22 तारीख को 6:22 तक लगभग ये आपके स्थान पे थोड़ा परिवर्तन हो सकता है। इस दिन का प्रयोग आप उनके लिए करें जो लोग अविवाहित हैं, तो अविवाहितों का श्राद्ध इस दिन करना चाहिए। आपके घर में से श्राद्ध सबका करिए, हो सकता है कोई 12-14 साल की उम्र में निकल गया हो, उसके लिए क्यों नहीं करोगे भाई, क्या उसकी गलती है, उसके लिए श्राद्ध अवश्य करिए। हो सकता है उस जन्म ले लिया हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन श्रद्धा के साथ करिए। तो इस पर्व को उपयोग महाभरणी पर्व बोलते हैं। इसका उपयोग उन लोगों के लिए किया जाता है जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ। भरणी एक्चुअली यह भरण पोषण करने का नक्षत्र है, लेकिन इसको जो देवता है वो काल है। काल मतलब यम, यम मतलब यमराज, यमराज मतलब धर्मराज, आपके जीवन का लेखा जोखा रखते हैं। इसलिए इस पर्व का उपयोग आप उनके लिए अवश्य करिएगा। एक पिंड दान, एक तर्पण सीमा पे खड़े हुए प्रहरी के लिए, ठीक है। पिंड दान हम जब करते हैं ना इस क्षेत्र से करते हैं ये, और देवताओं को ऐसे अर्पित करते हैं या ऐसे अर्पित करते हैं, पितरों के लिए यहाँ से अर्पित करते हैं। आपकी संतान कभी पूछ लिया आपसे कि पापा दादा हम ऐसे पिंडदान क्यों करते हैं, क्या प्रकरण है, क्या प्रयोजन है, तो आप क्या बताएंगे? बोलेंगे अरे गुरुजी ने बताया। नहीं मानेगा बच्चा। मैं कहता हूँ कि देखो अपने धर्म का ज्ञान रखो, नहीं छोटे पायजामा वाले आपके धर्म पे आपके बच्चों को भड़का देंगे, ठीक है। ये जो क्षेत्र है ना इसको बोलते हैं पितृ क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? पितृ क्षेत्र। तो पितृ क्षेत्र पे ही पितरों का सामान रख के पितरों को अर्पण करते हैं। अब पॉइंट आएगा इसको पितृ क्षेत्र क्यों कहते हैं, क्योंकि दिमाग तो तर्क बहुत करता है ना, और जो तर्क के साथ चले वही ज्ञान है। देखिए आपके हाथ में ये जो क्षेत्र है ना इसको बोलते हैं शुक्र का क्षेत्र। ये क्रोमोसोम है, XY क्रोमोसोम यहीं पे है। ये जो क्षेत्र है ये एनर्जी ज्ञान का है, जीव का है, उस जीवन को आगे बढ़ाने की जो विधा है वो इनके पास है। इसके जो मिडिल वाला क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है ना इसको बोलते हैं मंगल। मंगल मतलब आक्रामक मंगल, एनर्जी देने वाला। तो यह क्षेत्र शुक्र की एनर्जी, शुक्र के काम को लेगा, भरणी को लेगा, भरण पोषण करवाएगा, रति क्रिया में जाएगा, जीव की उत्पत्ति करेगा, और मंगल वहां उसको जीवन देना शुरू करेगा, गुरु उसको पोषण करेंगे। अतः इन तीनों की युति के साथ, इन तीनों के मध्य क्षेत्र में ही पिंड को या जल को रख के हम पितरों को अर्पित करते हैं। यह इसका तार्किक कारण है। बकाया YouTube पे बैठे हुए जो मठाधीश हैं वो कुछ भी बोल सकते हैं,
ठीक है। और जो लहसुन प्याज ना खाने का विधान है वो तामसिक प्रवृत्तियों के कारण हम नहीं खाते, ऐसा नहीं है। कुछ लोग बताते हैं कि ये कुत्ते के अंडे से पैदा हुआ है, कुछ लोग बताते हैं कि ये राहु के लार से पैदा हुआ है। मतलब बताने के पहले उन लोगों को सोचना चाहिए, ये लोग धर्म का उपहास उड़वाते हैं, इसलिए मैं इन लोगों पे थोड़ा सा, मैं इनको कुछ नहीं कह सकता, ये बड़े लोग हैं, लेकिन ये लोग ठीक नहीं कर रहे हैं। आपके लिए वीडियो लंबा हो रहा है। राधे राधे।